दिल में हो तुम, आंखों में। भैया हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि यूनिट थर्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये लास्ट लेक्चर रह गया था जिसमें कुछ ड्रग्स की सिंथेसिस बतानी है। आपके सिलेबस में कुल 5 सिंथेसिस है जिसको आपको याद करना है। वैसे फिलहाल सिलेबस अब बहुत आसान कर दिया गया है यूपीटीयू एकेटीयू द्वारा, वरना हम लोग के टाइम में पूरे जितने भी ड्रग थे सारे की सिंथेसिस पढ़नी पड़ती थी, 12-15 सिंथेसिस एक चैप्टर में। तो ठीक है, अब तो आसान है, थोड़ा सा पढ़िए। ये कार्बेकॉल, नियोस्टिग्मीन, इप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोसाइक्लिडिन, यानी कि ये हमारे 5 दवाओं का यानी 5 मेडिसिन की सिंथेसिस याद करनी है। और सिंथेसिस ने बताया कि केमिकल रिएक्शंस हैं, कॉपी पे लीजिए, पेन उठाइए, जितनी ज्यादा रफ आप भरेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उतना ही आप मास्टर हो जाएंगे। और अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आती है तो फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको आसान बता सकूं कि कैसे हो सकता है। तो आप चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कार्बेकॉल का। कार्बेकॉल का मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, एक तरीका है कि जिस ड्रग का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है या सिंथेसिस बनानी है उसको पहले लिख लो, ठीक है, और जिससे स्टार्ट करना है उसको लिख लो। बस ये 2 चीजें याद रखो, उसके बाद कुछ भी याद मत रखो। उसके बाद फिर ये चलाओ, अगर है तो कोई होगा मेरे साथ थोड़ा होगा तो ये कोलीन और ये कार्बेकॉल, यानी कि जब भी ये हमारा कार्बेकॉल बनता है तो कार्बेकॉल का स्ट्रक्चर ये है। आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इथेलाइन ब्रिज है, ओएसिटिल ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है और क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड लगा हुआ है और यहाँ पे ये कोलीन है। अच्छा, आप दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखते हैं तो कोलीन के स्ट्रक्चर में CH2 CH2 NCH3, इतना पोर्शन और यहाँ का इतना पोर्शन बिल्कुल कॉमन है फ्रेंड। जब इतना पोर्शन कॉमन है, यानी आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ का पोर्शन और यहाँ से लेकर यहाँ का पोर्शन एकदम कॉमन है, यानी हमको मेहनत इधर करनी है। यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे OCONH2 लगा है। अब हमें इस पूरे ग्रुप को ही अगर इसको हटा के ये लगा दे तो हमारा कोलीन से क्या बन जाएगा, कार्बेकॉल। अब कैसे कर सकते हैं, तरीका समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर किसी कंपाउंड में OH लगा है और उसको तुमको सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री या सी डबल बॉन्ड ओ सी एल में कन्वर्ट करना है, वो ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इसमें कन्वर्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट एमाइड से कर नहीं सकते, तो क्या तरीका, मैंने बताया था कि एसाइलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं हम लोग, एसाइलेशन कराते हैं। क्या होता है, जब हम एसाइलेशन करा देंगे या फिर सी एस थ्री सी ओ सी एल से या सी एस थ्री सी ओ सी एल थ्री से बात करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो इनका जब भी हम एसाइलेशन कराते हैं तो क्या बन सकता है, तो सीधी सी बात है कि हम इस रिएक्शन में एसाइलेशन करा के चलो देखते हैं, इस स्टेप में एसाइलेशन कराते हैं। या इसकी तरीका एक और है, फॉस्फीन के साथ हम इससे रिएक्शन करा सकते हैं, फॉस्जीन के साथ, COCl2 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं फॉस्जीन। अगर एसाइलेशन ना करा तो हम यहाँ पे किससे रिएक्शन करा सकते हैं, COCl2 से। COCl2 स्ट्रक्चर क्या होता है, Cl, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बना सकते हैं Cl, C डबल बॉन्ड O और Cl, ऐसे COCl2 भैया लल्ला बन गया। अब क्या करना है, हमें पता है कि इस कंपाउंड में रिएक्शन जब इससे कराओगे तो इसका H और इसका Cl पोलो मार दो, यानी यहां से H निकालो, यहां Cl निकालो, HCl निकल गया, तो यानी इस O से ये वाला पॉइंट आके जुड़ जाएगा, यानी कि हम इसको जो स्ट्रक्चर को फिर से कॉमन बना रहे हैं, CH2 CH2 N plus CH3 CH3 CH3। अब आप देखो क्या करना है, यहाँ का OH का O रहने दो, H निकाल दो और यहाँ का Cl निकाल दो, तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O Cl और यहां से क्या निकल गया, HCl। अब क्या हो रहा है फ्रेंड, देखो फ्रेंड क्या हो रहा है, फ्रेंड कि अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर में मिला हुआ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे NH2 है, यानी बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम हो गया है, बस इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे Cl यहाँ पे NH2 है। अच्छा, अब आपको पता है कि कहीं पर भी हमको अगर Cl लगा हो और वहां पे NH2 लगाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका रिएक्शन करा सकते हैं अमोनिया से। कैसे कर सकते हैं, हम अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे NH3 अमोनिया से कराएंगे तो इस अमोनिया का एक एच निकलेगा और यहाँ का Cl निकलेगा, तो फिर HCl निकलेगा और NH2 जाकर जुड़ जाएगा, यानी हम यहाँ करा सकते हैं अमोनिया से रिएक्शन करा सकते हैं। एक स्टेप और है, हम यहाँ पे क्योंकि ब्रोमाइड सॉल्ट के फॉर्म में आता है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना एक स्टेप और है उससे भी बढ़ा के एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो इसका H, तो H निकल जाएगा तो NH2 बचेगा और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से Cl निकाल दिया, तो यहाँ का H यहाँ का Cl निकाल दिया तो प्लस HCl निकल गया और ये NH2 आके यहाँ से जुड़ गया, बन गया कार्बेकॉल। कितना आसान है ना, ठीक है। तो अगर आप इस तरह समझते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री को तो सिंथेसिस कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने टाइम में जब भी पढ़ाई की मैं रटा कुछ भी नहीं था, मैंने क्लासिफिकेशन के अलावा वो भी जुगाड़ से मैंने देखा ट्रिक मैंने कैसे कैसे बनाई है, उसके अलावा मैं कुछ रटा नहीं, मुझसे टाइम रटना ये होता नहीं था, मैं सिर्फ समझता था, तो सिंथेसिस मैंने कभी रटी नहीं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको थोड़ी चीजें आती हैं
बस ऊपर और नीचे वाले को ध्यान दो, बाकी बीच वाला तो आप खुद से केमिस्ट्री बना सकते हैं, इतना आपको होनहार में बना दूंगा जब आपकी 5 मिनट खत्म होते होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कार्य कॉल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा बनाने जा रहे हैं यूएसटी में। दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नियोस्टिग्मीन है, हम इसकी बात करेंगे। नियोस्टिग्मीन का स्ट्रक्चर बहुत कई बार पूछा गया है और इसकी सिंथेसिस देखा जाए थोड़े से लंबे स्टेप की है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वाला स्टेप बताऊंगा थोड़ा सा आसान तरीके से कि हम 2 स्टेप में 3 स्टेप में कैसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है नियोस्टिग्मीन का स्ट्रक्चर याद करना, एनी हाउ आपको नियोस्टिग्मीन का स्ट्रक्चर याद करना है। कैसे याद करेंगे, बेंजीन रिंग है और बेंजीन के साथ नाइट्रोजन के साथ 3 मेथिल ग्रुप लगाएंगे कि यह क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड हो गया। क्वार्टनरी मतलब इसमें 4 नाइट्रोजन से चारों तरफ जुड़े हों और ये O है और यहाँ पे क्या CONCH है, यहाँ पे हमारा सेकंड, यहाँ पे टर्शियरी अमीन है और यहाँ पे क्वार्टनरी अमीन है, दिस इज अ नियोस्टिग्मीन। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को फ्रेंड अगर हमको बनाना हो तो बहुत आसान है कि हम इस स्ट्रक्चर को 20 से यहाँ से तोड़ सकते हैं। अब इसको उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे मालूम चल जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को हम 20 से तोड़ दें तो क्या कर सकते हैं, तोड़ने के लिए क्या होगा, यहाँ से CL और यहाँ से H लगा दो, यानी HCl निकलने के बाद ही बना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक वाला मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है NCH3CH3। ठीक है, ये क्योंकि हमारा क्वार्टनरी अभी नहीं है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी लेते हैं और यहाँ पे हमारा हो गया H। अब ये क्या दिख रहा है, बुद्धि ये सेकेंडरी अमीन है, ये फिनॉल है, तो क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कि अमीनो मेथिल फिनॉल। देखो ये अमीनो के साथ मेथिल लगा है, तो ये हो गया हमारा अमीनो मेथिल फिनॉल। एक मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल हमको इसके बाद का हिस्सा लेना है। इसके बाद का हिस्सा को सेम कॉपी कर लो फ्रेंड, सेम कॉपी कर लो, सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एस थ्री एंड सी एस थ्री और यहां पे लगा दो सीएल। ठीक है, ये हमने लगा दिया सीएल, तो इसको होता है डाइअमीन कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, डाइअमीन कार्बामोइल क्लोराइड, यानी ये हमारे दोनों देखा जाए तो एक तरह का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम इसको फ्रेंड कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमको पता है कि हम यहाँ से इसको HCl निकाल दें, यानी यहाँ का H और यहाँ का Cl यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा, हमको जोड़ना ही तो है, हमारा पर्पस तो वही है। यानी सेम कहानी क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग फिर से बनाते हैं, ठीक है, दिस इज N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ का O और यहाँ का HCl निकल गया, फिर बचा क्या, सी डबल बॉन्ड O N CH3 और CH3 और यहाँ से क्या निकल गया फ्रेंड, HCl। अब क्या रह गया आप बताओ, यहाँ पे क्या रह गया, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक अमीन मेथिल ग्रुप और जुड़ा है और ये स्ट्रक्चर ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि जब किसी कंपाउंड को मेथिल ग्रुप जोड़ना है तो मेथाइलेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, मेथाइलेशन। देखो मेथिल ग्रुप जोड़ना है तो मेथाइलेशन, क्योंकि मेथाइलेशन का फुल फॉर्म क्या है, मेथिल से मेथिल, एशन का मतलब एडिशन, यानी मेथिल को जोड़ना है और जब भी मेथिल जोड़ना हो क्या करो, CH3I से रिएक्शन करा दो, किस रिएक्शन करा दो, CH3I से मिथाइलेशन से। तो अब क्या होगा कि ये CH3 वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा आसानी से। देखिए मैंने आपको बताया कि 1-2 स्टेप में हमने कैसे नियोस्टिग्मीन को मॉलिक्यूल को बना लिया, एक दो बार ट्राई करिए बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे तीसरा, एप्राइट्रोपियम ब्रोमाइड की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि देखिए जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, बड़े मॉलिक्यूल, तो उसमें जो आयन्स होते हैं ना हमेशा ब्रैकेट के बाहर लगाए जाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आयन कहाँ लगेगा, यहाँ जोड़ेगी, यहाँ जोड़ेगी, यहाँ जोड़े, तो इन दैट केस में हम क्या करते हैं, ब्रोमाइड को बाहर लगा देंगे, आयन कोई भी क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड कुछ भी है उसको बाहर लगा देंगे। तो देखिए ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। अच्छा फ्रेंड देखिए चीज ध्यान समझिएगा, अगर इस तरह से आपको भूतहा सैतानी और राक्षस वाला स्ट्रक्चर आपको दिख जाए कि अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिंग है, इसको तोड़ना है जोड़ना है, तो ऐसे कंपाउंड का जब भी सिंथेसिस पूछे मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, कुछ भी मत करो, इसको बिल्कुल भी खुराफात मत करो। क्या करो, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, ये स्केल्टन स्ट्रक्चर ले लो, इसमें सॉल्ट जोड़ दो, ब्रोमाइड और रिएक्शन बना दो। बात समझ में आ रहा है, जैसे मतलब ये समझ, तुमको इस तरह समझाओ कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि आपके सामने कोई मैं चीज लाऊं, वो पैकेट में पैक है, मैं कहूँ चलो इसको बना के दिखाओ, तो एक बार उसका कवर खोल दो कि देखो ये हमारा रॉ मटेरियल, फिर कवर पहना दो, कह दो हमारा बुक रेडी। समझ रहे हो ना कितना आसान, मतलब एक स्टेप हमको आपको पीछे जाके फिर से बना देना है, यानी हम कुछ नहीं कर सकते, ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। अगर इसमें से हम यहाँ से BR हटा दें और यहाँ से हटा दें, तो अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम फ्रेंड है इप्राट्रोपियम। तो बार बार रिंग को बीच बीच से तोड़ के बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जुगाड़ से काम करते हैं,
ये हो गया हमारा इप्राट्रोपियम। अब बस इसमें अगर हम ब्रोमाइड जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। कितना आसान तरीका है ना, यानी बस एक स्टेप का रिएक्शन। दिखने में तो लग रहा है बाप रे बाप राक्षस, लेकिन हमें क्या करना है, जो बहुत बड़े राक्षस वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसको छोटा करने का तरीका क्या है कि बस हमको ये ध्यान से देखना है कि इसमें कोई सॉल्ट तो नहीं लगा है। अगर हमको सॉल्ट दिख गया तो बस एक स्टेप बैक चले जाओ, वहां से शुरू करो और एक स्टेप पे खत्म कर दो, यानी सॉल्ट को हटा दिया तो नाम क्या है, इप्राट्रोपियम। अब इस इप्राट्रोपियम स्ट्रक्चर में अगर हम क्या करा दे, ब्रोमीन जोड़ना है, ठीक है, क्या जोड़ना है हमको फ्रेंड, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जोड़ना है तो क्या कराना होगा, ब्रोमिनेशन। देखिए मैंने कहा ना, जो जोड़ना हो, मेथिल जोड़ना हो तो मिथाइलेशन, हेलोजन जोड़ना है तो हेलोजिनेशन, ब्रोमीन जोड़ना है तो ब्रोमिनेशन, पानी जोड़ना है तो हाइड्रेशन, जूता लगाना है तो जूतेशन, ठीक है, जो भी लगाना हो एसन लगा दो। तो ब्रोमिनेशन करने के लिए हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा मेथिल ब्रोमाइड से। अच्छा, मेथिल ब्रोमाइड से करोगे तो क्या बन जाएगा, सेम मॉलिक्यूल इसके अंदर जो बना है, रजनीगंधा जो भी बना है, ये बना लेना और यहाँ पे लिख देना Br- और इस रिंग पर लगा देना प्लस, बन गया हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इसको बना लेना फिर से, है ना, काहे मेहनत करवा रहे हमसे, ठीक है। तो एक स्टेप, यानी जब भी कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखे कि यार इसको तोड़ना मुश्किल है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, इस ट्रोपियन रिंग को हम तोड़ते, फिर हम यहाँ से इसको तोड़ते, फिर हम इसको यहाँ से तोड़ते, तीन स्टेप में तोड़ के जोड़ने में रिएक्शन बहुत लंबा, बना लेंगे तो बना दो। अभी कहो तो मैं इस रिएक्शन को 10 स्टेप में करके दिखा सकता हूँ और एकदम सही, आपको बस थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए, लेकिन मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने से बेहतर है एक स्टेप में बनाओ, एक बार सॉल्ट हटा दो, ब्रोमीन जोड़ दो, क्या बन गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है डाइसाइक्लोमीन, इसकी बात करते हैं। देखिए हमारा अगला कंपाउंड है फ्रेंड, दिस इज द डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड यानी सॉल्ट के फॉर्म में है ये, हाइड्रोक्लोराइड के साथ है। तो डाइसाइक्लोमीन स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दो साइक्लिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ है और अमीन ग्रुप लास्ट पे लगा है, देखिए टर्शियरी अमीन लगा है, इसका नाम डाइसाइक्लोअमीन है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं। इसको स्ट्रक्चर को हम दो तीन भागों में तोड़ सकते हैं। हम पहले इस पोर्शन को बनाते हैं, यानी जिसमें दो साइकिल हो और ये ग्रुप लगा हो, फिर बाकी जहां से ओ लगा होता है ना उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। मतलब तोड़ना आसान क्या होता है कि यहाँ मतलब OH रहा होगा और यहाँ पर CL रहा होगा, यानी कहीं भी आपको डबल सिंगल बॉन्ड ओ दिख जाए, ओ ओ यानी इस तरह से कंपाउंड दिख जाए, तो इसका मतलब है कि इसको बहुत आसान है बनाना। कैसे बनाना आसान है, यानी यहाँ OH रहा होगा और यहाँ CL रहा होगा और ये निकल करके हमारा ये बन गया होगा। मतलब इस तरह की अगर ट्रिक आप समझ जाएंगे केमिस्ट्री में, आप समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से मेडिसिनल केमिस्ट्री को समझने लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को पहले कैसे बनाते हैं इसको सोचते हैं, पहले हम इस स्टेप पे आते हैं। इस स्टेप पे अगर आते हैं तो देखिए मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा कंपाउंड है, ये एक तरह से कंपाउंड है CH2Cl, इसको देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा कंपाउंड है CH2Cl, इसका नाम क्या है, एस्टोनाइट्राइल है। ये बेंजीन के साथ एसीएन ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप होता है, तो एस्टोनाइट्राइल यानी हमारा ग्रुप है, या साइक्लो एस्टोनाइट्राइल या बेंजीन एसिटोनाइट्राइल इसका हम नाम कह सकते हैं। बेंजीन के साथ एसिटोनाइट्राइल ग्रुप लगा है, अगर सी एस टू ना होता, डायरेक्ट सीएन होता तो नाइट्राइल होता, बेंजिल नाइट्राइल होता, यहाँ पे बेंजिल एसिटोनाइट्राइल। अच्छा, हमको इस बेंजिल एसिटोनाइट्राइल में अभी देखो, इस रिंग के साथ हमने यहाँ पे सी एस टू और सी एन है, इसमें हमको एक रिंग और जोड़ना है, तो इस रिंग को जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए हमको ये रिंग जोड़नी है, देखिए फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं, ये रिंग हमको जोड़नी है, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, यहां से एक पॉइंट तोड़ो, एक बी आर यहां लगा दो और एक बी आर यहां लगा दो, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसको ऐसे दिखा देते हैं, यानी एक बी आर हमने यहाँ लगा दिया और एक बी आर हमने यहाँ लगा दिया। देखिए अगर किसी रिंग को बनाना है तो ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को टेक्निक बनाने में, सीखने में, तो आप भी सीख जाओगे। तो क्या है कि हमको अगर इसको रिंग को बनाना है तो रिंग को बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि हम यहाँ से बी आर और यहाँ से बी आर निकालेंगे तो सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, तो बी आर टू निकलेगा। और हम क्या करेंगे कि कैसे कर सकते हैं यहाँ पे इस बी आर निकालने के लिए, हम यहाँ से ये एक एच यहाँ से रिमूव करेंगे, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है और ब्रोमीन तो डाई ब्रोमो, हम पेंटेन कह सकते हैं, डाई ब्रोमो पेंटेन, है ना, नाम कितना आसान है। अब क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएं तो अब क्या होगा, आप इस चीज को देखिए, ये कंपाउंड हमारे पास पहले से ही है ये वाला, अब यहाँ पे हमारा क्या था, सी के साथ सी एन है और यहाँ पे दो एच है, देखिए दो एच है ना, सी एच टू है, तो एक एच को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, इस रिंग को प्लेस कर देंगे, तो हमने एक एच यहां से रिप्लेस किया और हमने यहाँ पे ये वाली रिंग लगा दी, ये वाली रिंग हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और यहां से क्या निकला होगा,
बी आर टू निकला होगा, ठीक है निकला होगा ना, तभी तो ये भाई दोनों बी आर निकला, रिंग बना, और इस रिंग को हमने यहाँ से एक एच को रिप्लेस करके यहाँ पे जोड़ दिया, यानी हम इस स्ट्रक्चर तक आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड कहाँ तक आ चुके हैं, हम इस स्ट्रक्चर तक आ चुके हैं, इसके थोड़े से करीब पहुंच गए ना, ये उल्टा नीचे है। तो अब यहाँ पे सी ओ ओ ग्रुप है और यहाँ पे सी एल ग्रुप है, और एक चीज याद रखो कि जब भी सी एल ग्रुप को सी ओ ओ एच ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सीधा सा फंडा है, क्या कर दो, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, हमको यहाँ पे एन हटा के क्या करना है, ओओएच ग्रुप लगाना है। जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देंगे फ्रेंड, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा, ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन दो बार बनाओगे तो चीजें एकदम मस्त हो जाएंगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सी एच के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ओ एच, देखिए ये कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन हमने जैसे ही किया, इसको सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं कहीं कहीं पे, सेपोनिफिकेशन, ठीक है। तो सेपोनिफिकेशन या ऑक्सीडेशन के द्वारा हमने जैसे ही स्ट्रक्चर बनाया, ये बन गया। अब देखो फ्रेंड हमको यहां तक का मॉलिक्यूल मिल गया, अगर आप इस चीज को समझ रहे हो, बार बार हर स्टेप के बाद अपने मेन मॉलिक्यूल को जरूर देखो कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं तुमसे कितना दूर हूं, बस इसको पहचानते जाओ। तो अब हमने क्या देखा, हमारा फ्रेंड यहां तक का स्ट्रक्चर और यहां तक का स्ट्रक्चर कॉमन है, बस एच एक्स्ट्रा लगा है और ये ग्रुप हुआ लगा है। तो मैंने कहा कि ऐसे ग्रुप में जोड़ने के लिए सिंपल से क्या है, यहाँ पर सीएल लगाओ, पूरा पूरा मॉलिक्यूल लिख दो, यानी हम अब इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस लगा के, इस वाले मॉलिक्यूल में प्लस लगा करके हम क्या कर सकते हैं, एन, इसी से लिखते हैं बैक पेन से, एन सी टू एच फाइव सी टू, मैंने कुछ हटा नहीं है, आपके सामने बस देख रहा हूं, ये हमने उठाया सी टू एच फाइव, इसके बाद क्या है, दो सी एच टू है, दो सी एच टू, अब यहाँ पे क्या है, ओ है, हमको यहाँ पे लगाना है सी एल। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा हम घुमा के इधर लिख देंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ का सी एल और यहाँ का एच, यहाँ का सी एल और यहाँ का एच निकलेगा तो एस सी एल निकलेगा, वो एस सी एल इसी के साथ रहेगा तो हाइड्रोक्लोराइड, और इसके बाद इस स्ट्रक्चर को जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ का सी एल निकला तो यहाँ का ये वाला पार्ट सी एच टू, और यहाँ का एस निकला तो ये वाला पार्ट, इसका सी एच टू पार्ट, इसका ओ पार्ट हमने जोड़ दिया। देखो इसका सी एच टू, ये देखो यहाँ जुड़ रहा है ना, यहाँ से देखो ये इसका एक पार्ट, ये एक पार्ट ये जुड़ के क्या बन रहा है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, और यहाँ से जो एस सी एल निकला वो इसी के साथ रहेगा, एस सी एल डाइसाइक्लोमिक हाइड्रोक्लोराइड। अगर देखिए आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी आती है मेरे फ्रेंड्स, देखिए आप कुछ लोगों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अरे बाप रे का पढ़ा रहे हैं, पहली बार हो रहा है, अनुराग सर कुछ पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए ये मैं कोई जड़ी बूटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर आपकी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की या इंटर की अगर स्ट्रांग होगी तो ही आप ये जुगाड़ सीख पाओगे, अदरवाइज सारे टीचर्स कहते हैं पूरे दुनिया के भैया सिंथेसिस रट लो, तो मैं क्योंकि उस पर विश्वास नहीं करता इसलिए मैं कहता नहीं रट लो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपके पास वही ऑप्शन है, कॉपी उठाओ रटो, लेकिन दो तीन बार मेरी वीडियो को समझो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। ये हमारा हो गया डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। एक लास्ट बचता है प्रोसाइक्लिडिन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं उसको बताता हूँ। ये लास्ट सिंथेसिस है, दिस इज प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, इसको भी पढ़ लेते हैं, हमारा यूनिट थर्ड लास्ट टॉपिक है। प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसके सिंथेसिस को हम कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। देखिए फ्रेंड ये स्ट्रक्चर है, पहले हमको तो मैंने कहा कि स्ट्रक्चर आपको जरूर याद करना है, जब आपको स्ट्रक्चर, अब क्या करिए कैसे याद करिए स्ट्रक्चर, देखो बहुत जरूरी है, आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जिस टेबल पे आप बैठते हैं, जिस कमरे में आप ज्यादा देर रहते हैं, जहाँ पे तो जिस रूम में आप रहते हैं, जहाँ आसपास रहते हैं, वहाँ पे स्टडी रूम के पास, दीवारों के पास, जितने भी सिलेबस में आपके केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर है, पहले यूनिट टू का, यूनिट टू से स्टार्ट है, यूनिट टू के स्ट्रक्चर सारे चिपका दो, चार पांच स्ट्रक्चर हैं, उसको रोज रोज देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ दिन, एक हफ्ते में याद हो जाएगा, फिर उस चार्ट को चेंज करो, फिर दूसरा चार्ट लगाओ, उसको बनाओ, या तो अगर हो सके तो मैं आपको ये, आपको जो देखिए ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर देख रहा ना, ये टेम्परेरी, ये एक पीवीपी की ये जो सीट है, ठीक है ना, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक सीट है, तो इस सीट को आप लोग मंगा सकते हैं, बहुत सस्ता है, ऑनलाइन भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो इसको मंगाइएगा, और अपने टेबल के पास इसको चिपका दीजिए, और एक मार्कर खरीद लीजिए और उस पर सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते जाइए, या फिर किसी भी तरीके से आप जितनी बार स्ट्रक्चर को सामने देखेंगे और स्ट्रक्चर को जितना बड़ा बना के जितना ईजी बनाएंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगा, और याद करना ही करना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर पास होना है तो स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब प्रोसाइक्लिडिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि जिसमें भी नाइट्रोजन वाले इस तरह का रिंग देते हैं, जिस तरह पाइरोलिडिन रिंग, तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, तो हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करें कि इसमें से कोई ऐसा पार्ट गायब कर दे और वही पार्ट को लाकर जोड़ दे, हमारा काम हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि हम इस पार्ट को गायब कर दे,
बाकी का पूरा पूरा लिख लेते हैं और इसी पार्ट को लाके फिर से जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम छोटा करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, किसी एक पार्ट को गायब करते हैं फिर उसी पार्ट को लाके जोड़ते हैं। मैंने वहां पर लिखा था ब्रोमिनेशन करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फिर से लिख लेते हैं। तो माने आना माने दिलदारा आसानी तेनु रब मंगिया, तो माने आना माने दिलदारा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इसका नाम बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज प्रो ये देखिए पायरोडीन है ना, तो इसको किस नंबर पे लगा पायरोडीन, तो हम बोल सकते हैं कि पायरो लिडीन, और ये कौन सा रिंग है, ये हमारा है 1 2 3 4, जिसे हम बोल सकते हैं फिनोन है ना, तो हम बोल सकते हैं प्रोपिल फिनोन, प्रोपिल फिनोन, ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पायरोलिडीन प्रोपिल फिनोन, ये कंपाउंड हो गया फ्रेंड। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस हम कंपाउंड में क्या स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हम इस कंपाउंड के साथ जो ये OH ग्रुप लगा है इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ करके, देखो जब ये आप इसका समझो दोस्तों यारो भैया मुन्ना, इस वाले स्ट्रक्चर को तोड़ करके यहाँ पे H लगाना और यहाँ पे रिंग लगाना है, बन जाएगा। यानी कि हमको काम क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सीधी सी फंडा है, हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, ये हमारा कंपाउंड है साइक्लिक एंड MgBr, नाम सुना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा करके हम करा सकते हैं। अभी छोड़ो छोड़ो जाओ, कॉम्प्लिकेट दो स्टेप बढ़ जाएगा, डायरेक्ट कराते हैं। इसका नाम क्या है, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड, ठीक है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड। और क्या हो रहा है, हमको डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता है, इस कंपाउंड को जब H जोड़ना होता है क्या होता है, रिडक्शन, हम यहाँ पे क्या कराएंगे, रिडक्शन, यानी देखो H जोड़ने को रिडक्शन कहते हैं। अब क्या होगा कि ये वाला यहाँ से ये टूटेगा, H बनेगा और ये वाला मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा और अगले स्टेप में हमारा कहानी बन जाएगा प्रोसाइक्लिडिन। हमने एक स्टेप में बना दिया प्रोसाइक्लिडिन, तो इसको समझ लीजिए फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यूनिट थर्ड मेडिसिनल की खत्म हो चुकी है, बस बची है 2 यूनिट, हवा है हवा है हवा, हलवा की तरह खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कोलोजी का यूनिट थर्ड स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक लेक्चर हो गया है, तो बाकी यूनिट थर्ड पहले कोलोजी खत्म करेंगे, फिर फिजिकल ऑर्गेनिक और कुग्नोसी तो ऑलरेडी हो ही गया है, फिर हम आएंगे ऑर्गेनिक मेडिसिन। देखिए आप लोग बहुत से बच्चे हैं ना मैसेज करते हैं कि सर ये पहले पढ़ाइए वो पहले पढ़ाइए, कोई कहता है फिजिकल पढ़ाइए, कोई कहता है ऑर्गेनिक पढ़ाइए, कोई कहता है केमिस्ट्री पहले पढ़ाइए, कोई कहता है कोलोजी पहले पढ़ाइए, क्योंकि हर कॉलेज में एक या दो टीचर अच्छे होते हैं, हर कॉलेज में बाकी टीचर अच्छे होते हैं, मैं तो बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो जिस कॉलेज में जो ठीक है उसको लोग कहते हैं छोड़ दीजिए बाकी सब। मेरे पास तो करीब 50-60 हज़ार 1 लाख बच्चों का मैसेजेस फोन आते हैं, तो सबका सुनना पॉसिबल नहीं है, तो बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाइए, गारंटीड है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।